हाय दोस्तों, मैं हूं तौकीर आलम। अ कैट इज देयर एंड देयर इज अ कैट, दोनों में क्या डिफरेंट है? हम देयर की यूज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि देयर का एक्चुअली यूज होता कब है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, देयर लिखा रहता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं, देयर मीन्स वहां होता है, लेकिन अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें, जैसे देयर इज अ कैट, यहाँ देयर का कोई हिंदी नहीं है, इस वाक्य का हिंदी हुआ एक बिल्ली है, अ कैट इज देयर, लेकिन इस वाक्य का हिंदी हुआ वहां एक बिल्ली है। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम देयर बोलते हैं लेकिन देयर का कोई हिंदी नहीं होता। तो ऐसे केस में एक लर्नर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कैसे समझे कि द का करेक्ट यूज क्या है। कमेंट बॉक्स में एक साहब ने कहा कि सर, देयर के टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि उनका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखें, एक्चुअली देयर का यूज होता कहाँ है, हमें कब देयर का यूज करना चाहिए और कब देयर का यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां मैंने दो वाक्य लिखा हुआ है, एक लड़का है और पानी है, और हमें इसका ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स, अगर हम बात हिंदी की करें तो हिंदी वाक्य एक लड़का है बनावट और अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करते हैं तो कुछ ऐसे करेंगे। एक लड़का का अंग्रेजी अ बॉय है, का अंग्रेजी इज। या तो आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, है का अंग्रेजी इज पहले और एक लड़का का अंग्रेजी होगा अ बॉय। आप दोनों में से कोई एक तरीका करेंगे, या तो आप करेंगे अ बॉय इज या इज अ बॉय, लेकिन अंग्रेजी का यह वाक्य देखने में अधूरा लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, या अगर इस वाक्य को देखें तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप हिंदी वाक्य पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो हिंदी लिखा हुआ था आपने उसका ट्रांसलेट किया। तो हिंदी का वाक्य अर्थ और बनावट की दृष्टि से तो सही है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन जब आप ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, अगर आप लिखते हैं अ बॉय इज या इज अ बॉय, तो वो इनकम्प्लीट होगा, अधूरा लगेगा। तो इस तरह का वाक्य जैसे मंदिर है, पानी है, खून है, डाकखाना है, चावल है, तो इस तरह के वाक्यों को सही आकार देने के लिए, सही फॉर्म देने के लिए, सही रूप देने के लिए हम उनके पहले देयर लिखते हैं। हालांकि देयर का अपना एक अर्थ है, वहां होता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में देयर का कोई भी हिंदी नहीं होता। देयर का यूज बस हम वाक्य को एक सही शक्ल देने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ दो वाक्य लिखा हुआ है, एक लड़का है, तो हम इसका अंग्रेजी लिखेंगे देयर, देयर इज अ बॉय। देयर क्यों? देयर मीन्स तो वहां होता है, आपके वाक्य में तो कहीं वहां नहीं लिखा है। फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में हम देयर का यूज करेंगे और देयर का कोई भी हिंदी नहीं होता है, यानी इस वाक्य का हिंदी हुआ एक लड़का है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि वहां एक लड़का है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पानी है, आपको लिखना होगा देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, इसका मतलब हुआ पानी है। देयर का यूज बस वाक्य को एक सही रूप, सही आकार, सही शक्ल देने के लिए हुआ है। हो सकता आप ये सोच रहे होंगे कि देयर का हिंदी वहां कब होता है, यानी वो क्या यूज है जब हम देयर का यूज करते हैं और हिंदी होता है वहां। चलिए देखते हैं। यहां मैंने तीन सेंटेंसेस लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि देयर का प्रॉपर यूज क्या है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। पानी है, इसका अंग्रेजी इज वॉटर, लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि देखने से ये कुछ ऑड लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है, अधूरा लग रहा है। तो इसको एक सही रूप मिल सके, सही आकार मिल सके, आपको सबसे पहले लिखना होगा दैट। तो ऐसे वाक्य जब आप कहते हैं पैसा है, कलम है, किताब है, कुर्सी है, तो आप देयर का यूज करके बोलेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पानी वहां है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले लिखिए पानी का वाटर, है
यहाँ का अंग्रेजी ई और वहां का अंग्रेजी दैर। यह वाक्य देखने में अधूरा नहीं लग रहा, यह वाक्य देखने में कंप्लीट लग रहा। जब देयर का मतलब वहां होता है तो इस वाले वाक्य में वहां क्यों नहीं हुआ? तो मैं आपसे कहूंगा, जब देयर का यूज हम शुरुआत में करते हैं या हेल्पिंग वर्ब के पहले करते हैं या सब्जेक्ट की जगह करते हैं तो यहाँ देयर का अपना कोई हिंदी नहीं होता है। लेकिन जब देयर का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं यानी किसी एडवर्ब की जगह करते हैं तो देयर का हिंदी वहां होता है। छोटा में आप ऐसा समझ सकते हैं, जब देयर वाक्य के अंत में लिखा जाता है तो उसका हिंदी वहां होता है। वही दूसरी तरफ जब देयर का प्रयोग शुरू में करते हैं तो उसका हिंदी वहां नहीं होता। ऐसे वाक्यों में देयर बस वाक्य को एक सही आकार देने के लिए आता है। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। वहां पानी है, क्या लग रहा है आपको इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है? क्या आपको लग रहा है इसका ट्रांसलेशन देयर इज वाटर होगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप लिखेंगे देयर इज वाटर तो हिंदी हुआ पानी है। अगर आप देयर की यूज शुरू में करेंगे तो उसका हिंदी वहां नहीं होगा। आप चाहते हैं कि उसका हिंदी वहां हो तो आपको बाद में एक बार देयर लिखना होगा। जब देयर बाद में लिखा जाता है तभी उसका हिंदी वहां होता है। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। यहाँ मैंने 3 सेंटेंसेस लिखा है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके और आप शानदार तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकें। इसका अंग्रेजी इज मनी लिखना गलत होगा, क्योंकि वाक्य के बनावट के हिसाब से ये गलत लग रहा है, ये कुछ अधूरा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, जबकि आपने कुछ नहीं छोड़ा है। हिंदी वाक्य में बस दो ही शब्द था, पैसा है। ऐसे वाक्य को एक सही आकार देने के लिए आपको लिखना चाहिए दैट, और देयर का वहां पर कोई अर्थ नहीं होगा, कोई हिंदी मीनिंग नहीं होगा। लेकिन इस वाक्य को ट्रांसलेट करिए, पैसा वहां है, मनी इज देयर। यहां पर आपने लिखा देयर और देयर का हिंदी होगा वहां। फ्रेंड्स, जब देयर का यूज हम अंत में करते हैं, वाक्य के लास्ट में करते हैं तो देयर का हिंदी वहां होता है। आइए अब इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। वहां पैसा है, क्या लग रहा है आपको इसका ट्रांसलेशन होगा? There is money. अगर आप there is money लिखेंगे तो भी इसका हिंदी होगा पैसा है। ये नहीं हो सकता कि वहां पैसा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि वहां पैसा है तो आपको फिर एक बार और there लिखना ही पड़ेगा और वो आप बाद में लिखेंगे अंत में। तो फ्रेंड्स, जब आपके सेंटेंसेस ऐसे हो जो देखने में अधूरा लगे, इनकम्प्लीट लगे, तो ऐसे वाक्यों को कंप्लीट रूप देने के लिए, एक सही फॉर्म देने के लिए उसके पहले there का यूज किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल में समझते हैं। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। दो लड़के हैं, देयर आर टू बॉयज। पानी है, देयर इज वाटर। खून है, देयर इज ब्लड। समय है, देयर इज टाइम। एक गाय है, देयर इज अ काउ। चार गाय है, देयर आर फोर काउज। एक बच्चा था, देयर वाज अ चाइल्ड। बच्चे थे, देयर वर चिल्ड्रन। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं वहां बोलना शुरू कर दूं तो आपको देयर लिखना होगा और वहां का अर्थ देने के लिए देयर बाद में यूज करना होगा। जैसे एक बच्चा वहां है, अ बॉय इज देयर। एक हाथी वहां है, एन एलिफेंट इज देयर। पानी वहां है, वाटर इज देयर। एक कुर्सी वहां है, अ चेयर इज देयर। हो सकता है आपके सेंटेंसेस ऐसे रहे, वहां एक कुर्सी है, तो भी आप ऐसा मत कहिएगा देयर इज अ चेयर, क्योंकि अगर आप कहेंगे देयर इज अ चेयर तो उसका हिंदी ये होगा कुर्सी है। ये नहीं हो सकता, वहां एक कुर्सी है। अगर आप देयर से शुरुआत करेंगे तो देयर का कोई हिंदी नहीं होगा। ऐसे वाक्यों को आप ऐसे बोलेंगे, देयर इज अ चेयर देयर। वहां पानी है, देयर इज अ वाटर देयर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, वाटर इज देयर। तो ऐसे वाक्यों को आप दो तरीके से बोल सकते हैं। या तो आप ऐसे कहिए वाटर इज देयर, या फिर ये कहिए देयर इज अ वाटर देयर। शांति है, देयर इज पीस। लेकिन अगर मैं कहूं वहां शांति है तो आप कहेंगे पीस इज देयर, या फिर आप ये कह सकते हैं देयर इज पीस देयर। ईमानदारी है, देयर इज ऑनेस्टी। वहां ईमानदारी है, ऑनेस्टी इज देयर। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं देयर इज ऑनेस्टी देयर। तो जब भी आपके हिंदी वाक्य में वहां लिखा हो तो आपको उसके लिए बाद में देयर लिखना पड़ेगा। आइए एक दो एग्जांपल और सुनते हैं। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां पढ़ाया, आई टॉट देयर। मैं वहां रहा, आई लिव्ड देयर।
मैं वहां खेलता हूँ, आई प्ले देयर, मैं वहां काम करता हूँ, आई वर्क देयर। तो फ्रेंड्स, जब आपको वहां की अंग्रेजी देयर लिखना हो तो आपके वाक्य के अंत में ही लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ यह लेसन आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।